नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की। हम समझने का प्रयास करेंगे यह संगठन किस प्रकार अस्तित्व में आया, क्या इसके उद्देश्य हैं और किस प्रकार इसकी फंक्शनिंग रहती है, और पत्रकारिता जगत में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट 1950 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। 16 देशों के 34 लीडिंग एडिटर्स, एमिनेंट एडिटर्स, न्यूयॉर्क सिटी की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकट्ठा हुए इस बात पर मंथन करने के लिए कि पूरी दुनिया में प्रेस फ्रीडम के लिए क्या किया जा सकता है, और साथ ही प्रेस के सोशल डेवलपमेंट में योगदान को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, विश्व शांति में इसके योगदान को बढ़ाने के लिए क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं, इसी उद्देश्य के साथ 1950 में स्थापना की गई इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की। इस इंस्टीट्यूट के जो स्थापना करने वाले जो बुद्धिजीवी पत्रकार थे, जो एमिनेंट एडिटर्स थे, उनका ये मानना है कि जो फ्री मीडिया है, जो स्वतंत्र मीडिया है, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है इस दुनिया को शांतिपूर्ण बनाने में और प्रेस फ्रीडम को बढ़ावा देने में, उसको इम्प्रूव करने में, और जो जर्नलिज्म की जो प्रैक्टिस है, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं लोग इस प्रोफेशन में जो है, उनकी वर्किंग को काफ़ी आसान बना सकता है। और इसी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। IPI यानी इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स रिप्रेजेंटिंग लीडिंग डिजिटल प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट न्यूज आउटलेट्स इन नियरली 100 कंट्रीज़। जैसा कि हमने बताया, 16 देशों के जो एमिनेंट एडिटर्स हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की एक खास मकसद के साथ, और धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया, और आज लगभग 100 देशों के जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, और ब्रॉडकास्ट मीडिया के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की जो सदस्यता है, जो व्यापक स्तर पर इसके साथ जो मीडिया प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के जो जुड़े हुए हैं, वो एक तरह से मीडिया प्रोफेशनल्स के खिलाफ जितने भी तरह के ऑपरेशन होते हैं, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, वहाँ एक मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देता है। और उसकी वजह यह है कि व्यापक स्तर पर, यानी सदस्यता के हिसाब से अगर हम देखें, तो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं ये जो इंस्टीट्यूट है वो रिप्रेजेंट करता है, और यही इसकी असली ताकत है। IPI के जो मेम्बर्स हैं, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं, वो आपस में मिलकर काम करते हैं, डिबेट करते हैं, एक हेल्दी डिबेट होती है, डिस्कशन होता है कि किस प्रकार जो पॉलिसीज़ हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स की, वो मीडिया को पीछे धकेलने का काम कर रही हैं, उसकी प्रेस की जो फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास कर रही है, और फ्री फ्लो ऑफ न्यूज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, और जो राजनीतिक और आर्थिक हित हैं उनको बचाने के एवज में, या उनको सर्वोपरि रखते हुए मीडिया के जो हित हैं, या जो फ्री इन्फॉर्मेशन और फ्री फ्लो ऑफ न्यूज़ जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसके लिए लगातार डिबेट करती है और पॉलिसी मेकिंग को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है ये संस्था, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। यानी अपने दशकों के लंबे इतिहास के दौरान, जो इसकी एक हिस्ट्री है, बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, जैसे कि मैंने बताया 1950 में इसका गठन किया गया, तो अपने दशकों के लंबे इतिहास के दौरान IPI के नेटवर्क की ताकत ने पत्रकारों को हमले से बचाया। कई बार व्यक्तिगत स्तर पर भी पत्रकारों पर हमले होते हैं, कई बार जान तक चली जाती है पत्रकारों की, कई बार थ्रेट दी जाती है, धमकियां दी जाती हैं, तो पत्रकारों को हमले से बचाया है, या मीडिया की स्वतंत्रता के उल्लंघनकर्ता जो है, उसको जो वॉयलेट करते हैं, उनको, उनके कार्यों को वैश्विक प्रदर्शन के बीच पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। यानी ग्लोबली एक ऐसा प्रेशर बनाया कि जहाँ भी पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की गई, जहाँ पे फ्री प्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ एकजुटता दिखाई है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने। जो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है वो ऐसी कंडीशंस, ऐसी शर्तें उनको प्रमोट करता है, उनका प्रचार प्रसार करता है, और ऐसे माहौल का निर्माण करता है जहाँ पर जो जर्नलिज्म है, या उस प्रोफेशन से जुड़े जो जर्नलिस्ट हैं, वो बिना किसी भय के अपना जो जर्नलिज्म का जो काम है, जो एक तरह से सोशल सर्विस का भी काम है, जो पब्लिक फंक्शन भी है, उसको अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए लगातार इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट काम करता रहता है। अगर हम मिशन की बात करें, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के मिशन की हम बात करें, इसके इतिहास पर एक नज़र डालने के बाद, तो IPI का जो मिशन है, दैट इज़ आवर मिशन इज़ टू डिफेंड मीडिया फ्रीडम एंड द फ्री फ्लो ऑफ न्यूज़ वेयर एवर दे आर थ्रेटन्ड। यानी फ्री फ्लो ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, और उनका विरोध करना जहाँ पे उनको धमकी दी जाती है, या जहाँ भी इस फ्री फ्लो है, जो इन्फॉर्मेशन का ऑर्डर है, उसमें कहीं
बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आईपीआई का जो कार्य करने का ढंग है, जो तरीका है, वो क्या है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी हाउ आईपीआई वर्क्स, किस प्रकार ये कार्य करती है, किन किन क्षेत्रों में काम करती है और कैसे काम करती है, वो हम इस पर एक नज़र डालेंगे। इसकी फंक्शनिंग, इसकी कार्यप्रणाली को समझने का हम प्रयास करते हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग डायरेक्ट एडवोकेसी विद गवर्नमेंट्स। जो अलग अलग सरकार हैं, अलग अलग जो देशों की सरकारें हैं, वहाँ पे पत्रकारिता का पक्ष लेती है, एक फ्री प्रेस का पक्ष लेती है। और अगर कहीं सरकार के साथ संघर्ष करना होता है, बातचीत करनी होती है, पक्ष लेना होता है पत्रकारों का या पत्रकारिता को बचाने का, तो वहाँ पे खड़ी होती है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। और न्यूज़ कवरेज के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, या एनालिसिस जो अलग अलग समय समय पर ये विश्लेषण करते रहते हैं, इन सब चीज़ों के माध्यम से पब्लिक में जो मीडिया फ्रीडम के जो वायलेशन होती है, उसको जो दबाने की कोशिश की जाती है, उसको लेकर लोगों को अवेयर करती है। इस कैंपेन के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की जाती है कि मीडिया की जो फ्रीडम है वो बहुत ज़रूरी है, और अल्टीमेटली मीडिया की फ्रीडम जो है वो हम सब की फ्रीडम है, क्योंकि मीडिया बेसिकली इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल। देन नेक्स्ट वन इज़ लीडिंग प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स टू फर्दर चेंज। यानी भविष्य में पत्रकारिता का जो क्षेत्र है, जो प्रोफेशन है, उसमें किस तरह के परिवर्तन की संभावना है, उनको लेकर के एडवांस में अलग अलग तरह के कार्यक्रम तैयार करना, अलग अलग तरह के कैंपेन डिज़ाइन करना, जिससे संभावित जो थ्रेट है पत्रकारिता के लिए या फ्री प्रेस के लिए, उनको भांपना और उसके लिए कार्यक्रम चलाना। देन ऑफरिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर कोऑपरेशन, नेटवर्किंग एंड स्किल्स एक्सचेंज अमंग अवर मेंबर्स। जो आईपीआई है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, उनमें ये स्किल एक्सचेंज का प्रोग्राम है, कोऑपरेशन है, नेटवर्किंग है, ताकि इनका नेटवर्क एक मजबूत हो, दुनिया भर के जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे का सहयोग करें, और कहीं अगर एक स्किल की डेवलपमेंट किसी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उसको बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया प्रोफेशनल्स तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं वो एम्पावर हों, वो सशक्त हों। देन प्रमोटिंग हाई क्वालिटी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एट द ग्लोबल लेवल। आईपीआई यह प्रयास करता है कि ग्लोबल लेवल पर, यानी वैश्विक स्तर पर, जर्नलिज्म की जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें एक निखार आए, उसमें अच्छा काम हो, और पत्रकारिता जो है जो अच्छे कार्य के लिए उसकी क्वालिटी, जो उसकी गुणवत्ता का जो स्तर है वो बहुत अच्छा हो, और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म उस वो एक माध्यम बने, यानी स्वतंत्र पत्रकारिता के जरिए आप बढ़िया पत्रकारिता करें, जिसका एक स्तर हो, जिसका एक मानक तय हो कि हम ऐसी पत्रकारिता करेंगे जो बदलाव की पत्रकारिता होगी, और जिसको वैश्विक स्तर पर, यानी ग्लोबली, जिसको एक एक्सेप्टेंस मिलेगी। देन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डायलॉग अमंग डाइवर्स जर्नलिस्टिक कम्युनिटीज़ इन लाइन विद आईपीआई फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। अलग अलग जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटीज़ हैं, अलग देश, अलग समस्याएं, अलग तरह की पत्रकारिता का तरीका, तो उन सब जो कम्युनिटीज़ हैं, जितनी तरह के विचार हैं, जितनी तरह के स्कूल्स ऑफ जर्नलिज्म हैं, जिस तरह के थॉट हैं, उसमें जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उन सबको एक मंच पर लाना, ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें, उनको एक मंच मिले, उनको एक अवसर मिले। यही आईपीआई के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी आधारभूत सिद्धांत हैं, जिनके बेस पर इसका निर्माण किया गया, ये उसको पूरा करने के लिए इनके लगातार कार्य करते रहते हैं, और ये इनके एक जो मेन टास्क है, मेजर टास्क में है। लोग हैं, अलग अलग तरह की पत्रकारिता करने वाले जो लोग हैं, उनको एक मंच प्रदान करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, अपने आइडियाज शेयर करने के लिए। देन हम बात करते हैं आईपीआई अवार्ड्स की। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की तरफ से अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड्स दिए जाते हैं, मोस्टली एनुअल अवार्ड्स ये हैं, जिन पर हम एक नज़र डालेंगे, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन्हें माना जाता है। और सबसे जो पहला है, दैट इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड। द आईपीआई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड ऑनर्स जर्नलिस्ट हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रमोशन ऑफ मीडिया फ्रीडम और द फ्री फ्लो ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलरली इन द फेस ऑफ ग्रेट पर्सनल रिस्क। द अवार्ड इज मेड एनुअली एट आईपीआई वर्ल्ड कांग्रेस। यानी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड है, वो उन पत्रकारों को दिया जाता है, उन कंट्रीब्यूटर्स को दिया जाता है, जो प्रमोशन करते हैं मीडिया फ्रीडम की अपनी पत्रकारिता के जरिए, और फ्री फ्लो ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन के लिए लगातार काम करते हैं, और ख़ासकर जब उनको इसके लिए खुद पर्सनल लेवल पर बहुत से रिस्क होते हैं, बहुत से खतरों का उन्होंने सामना उठाया हो, लेकिन पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लगातार काम किया हो, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। देन फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड। द आईपीआई फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड रिकॉग्नाइज न्यूज़ और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मेड इनोवेशंस दैट हैव प्रमोटेड न्यूज़ एक्सेस और क्वालिटी और बेनिफिटेड जर्नलिस्ट एंड द मीडिया कम्युनिटी, देयर बाय इंश्योरिंग
फ्रीअर एंड मोर इंडिपेंडेंट मीडिया इन देयर कंट्री और रीजन। तो ये जो अवार्ड है, जैसा कि पिछला अवार्ड हमने बात की, वो एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट को दिया जाता है जो बहुत ही रिस्क लेकर के फिर भी स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करता है, उसके लिए लगातार काम करता है। दिस अवार्ड इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो इनोवेशन करते हैं, जो माहौल देते हैं पत्रकारों को अच्छा काम करने के लिए, जो पत्रकारों के लिए उनके हित की बात करते हैं, उनके बेनिफिट की बात करते हैं, उन्हें मंच प्रदान करते हैं और एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करते हैं जो एक तरह से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है, जो क्षेत्र विशेष जो होता है वो उसमें उस इंडिपेंडेंट या जो फ्री प्रेस है उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उनको मौका देते हैं। तो ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवार्ड होता है जो इनोवेटिव होता है और फ्री प्रेस के लिए हर स्तर पर प्रयास करता है, चाहे सोसाइटी के स्तर पर या अपने संगठन के स्तर पर या पत्रकारों को सुविधाएँ देने के स्तर पर, हर जगह काम करता है। Then IPI Fellowship. The IPI Fellowship is an honor conferred by the IPI Executive Board. IPI का जो Executive Board है उसकी तरफ से इसको प्रदान किया जाता है, और जो बहुत समय तक IPI का member रहा होता है। The IPI Fellowship is an honor conferred by the IPI Executive Board on long-standing IPI members in recognition of outstanding services to the organization. तो जैसा कि हमने बताया, जो मेंबर बहुत समय से, लंबे समय से IPI के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी सर्विसेज जो हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही हैं, जिन्होंने संस्था के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। रेसिपियंट्स ऑफ दिस ऑनर आर नोन एज IPI फेलोज, जिन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है वो IPI फेलोज कहलाते हैं। एंड दीज IPI फेलोज आर लीडर्स इन देयर मीडिया फील्ड एंड सर्व एज एम्बेसडर्स फॉर IPI एंड द फाइट फॉर मीडिया फ्रीडम मोर जनरली। ये जो IPI फेलोज होते हैं जिनको अवार्ड दिया जाता है, ये अपने मीडिया फील्ड में जहाँ से जुड़े होते हैं उसको लीड करते हैं और IPI के एम्बेसडर की तरह, उसके दूत की तरह काम करते हैं और लगातार संघर्ष करते हैं, फाइट करते हैं मीडिया फ्रीडम के लिए, मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। द नेक्स्ट अवार्ड इज अल्फ्रेड फ्राइड फोटोग्राफी अवार्ड। द अल्फ्रेड फ्राइड फोटोग्राफी अवार्ड इज अवार्डेड एनुअली to a photograph that best signifies the theme of peace, named for Austrian pacifist author and 1911 Nobel Peace Prize recipient Alfred Hermann Fried. The award was established in 2013. It is given annually in partnership with IPI, UNESCO, the Austrian Parliament and the Austrian Parliamentary Reporting Association. यानी अवार्ड उस फोटोग्राफ के लिए दिया जाता है जो विश्व शांति का संदेश देता है। अल्फ्रेड फ्राइड, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1911 में, उनके नाम पे ये प्राइज़, ये अवार्ड दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई और पार्टनरशिप जॉइंटली ये अवार्ड दिया जाता है। उसमें जो पार्टनर होते हैं उसमें IPI, यूनेस्को, ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट और ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग एसोसिएशन, ये चारों जो संगठन हैं ये मिलकर इस अवार्ड को देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के बारे में। हमने जाना कि ये इंस्टीट्यूट कितना महत्वपूर्ण है, जहाँ तक बात है पत्रकारिता जगत की, किस प्रकार ये प्रेस फ्रीडम के लिए काम करता है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे और कुछ नई वीडियोस के साथ। आप देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।